दे देंगे। हम जब ठाकुर के घर के अंदर जा रहे थे देने के लिए, फिर से वो जैसे आकाशवाणी होता है ऐसे आवाज में वो बोला, मैं तुम्हारा इस घर में प्रकट हो चुका हूँ, तुम लोग अगर मुझे देख दोगे हरिबोल हो जाए। ऐसा काम करो, घर के बाहर से ही अंदर दे दो, कब दरवाजा बंद कर दो, खुश हो जाओ। कब हम लोग ऐसा ही किए, दरवाजा बंद कर दिए। तुम्हारा कन्हैया छोटा सा बच्चा है, छोटा सा पेट है, लेकिन जितना खाना था सबका खा लिया। खाने के बाद में बोलता है आकाशवाणी जैसा, बधाई, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हो गया, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा धन लक्ष्मी गोवन से वृद्धि होगा, आयुष वृद्धि होगा, जस वृद्धि होगा, सब कुछ तुम्हारा वृद्धि होगा। मैं तुम्हारा घर का ही ठाकुरानी नहीं, मैं घर घर का ठाकुरानी हूँ, तुम्हारा घर से दूसरा घर में जाऊंगा, दरवाजा खोल। अब देखो दरवाजा खोल करके देखना नहीं मुझे, आंख बंद करके रहना, नहीं तो हरिबोल हो जाओ। तो हम लोग ऐसा ही किए, दरवाजा खोल दिए, और मुझे तो थोड़ा सा समझा लग रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा था, आप तो पहुंच ही किया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख रहा था भगवान कैसा देखने के लिए। उस समय तुम्हारा ये नहीं आ तुरंत घर से तोड़ दिया, बोले क्या नाटक करके गया कन्हैया, अरे रुक रुक कन्हैया, वो इतना तोड़ के भागा, कहाँ चला गया हमें पता नहीं चला, हमको जो भूख लग रहा था, तो उसको पीछे दौड़ कर क्या होगा, हमको भी खाना बना करके खाना, ऐसा नटखट करता है तुम्हारा। ऐसा गोपियों में कितने कितने प्रकार का सब बोले कृष्णा मैया को। कृष्णा मैया सोचे कि शायद हमारा घर का माखन उनको अच्छा नहीं लगा, नहीं लगता होगा कन्हैया को, हम खुद ही बनाएंगे। ऐसे सोच करके यशोदा मैया एक दिन रात 3 बजे उठ करके वो क्या कर रही थी, माखन निकाल रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण का ठीक टूट गया। उठते ही बोले, अरे मैंने मार कहीं गई, मुझे धूप नहीं ना है, भूख लग रहा है। तो मैया मैया घूमते आवाज लगा तो मैया सुन नहीं रहे, लेकिन जो दधी का मंथन कर रहे थे वो तो चूड़िया से आवाज आ रही थी। हाँ उनको कन्हैया को पता चल गया कि ये तो माँ का चूड़ी का ही आवाज है, और ये चूड़ी का आवाज सुनते सुनते पीछे से आकर के चढ़ गए, बोले भैया मुझे ना बहुत भूख लग रहा है, मुझे दूध पिलाओ। यशोदा मैया ने बोली, कन्हैया मैं माखन दही मंथन कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय में ही निकल जाएगा, तो माखन आने के बाद में मैं तुमको दूध पिलाऊंगा। बोले नहीं नहीं मुझे जोर से भूख लग रहा है, अभी पीना। बोले नहीं नहीं रुक जाता ना, लेकिन भगवान तुरंत आकर के जो दंड के माध्यम से यशोदा मैया ने दही मंथन कर रहे थे उसको पकड़ लिए। अब कैसे मंथन करोगे, पहले दूध पिला, तो ठीक है कहीं आ जाओ, तो उसको स्तर पिलाए कन्हैया को, इधर मंथन करने लगे। कन्हैया स्तन भी पी रहे हैं और यशोदा मैया दधी का मंथन भी कर रहे हैं। इस समय में उनको याद आया यशोदा मैया को, एक दूध वो चूल्हा में बैठाए थे, वो बोलने आया, अरे 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 दूध अगर हो जाता, वो एक अच्छा पद्म बंधा गाय का दूध था, उसके उस दूध को रक्षा करने के लिए वो दौड़ के गए, कन्हैया को पटक दिए। कन्हैया गोद में थी था, लेकिन उनका याद नहीं रहा, वो दूध को बचाना है मुझे, कन्हैया को छोड़ करके दूध को रक्षा करने के लिए यशोदा मैया ने चले गए, तो कन्हैया को बहुत दुख लगा। आजकल मेरी माँ मुझे इतना प्रीति नहीं करता जितना दूध को करता। जब गुस्सा आया, उधर एक डंडा था, और डंडा ला करके जिस मटकी के माध्यम से वो माखन निकाल रही थी यशोदा मैया, उस मटकी को तोड़ा। बच्चा उनको गुस्सा हो जाते क्या करते हैं, कोई तोड़ फोड़ देते हैं, तोड़ फोड़ देने के बाद में उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। जब तोड़ दिए उनका गुस्सा तो ठंडा हो गया, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और डर भी गए, बोले मैं ये मटकी फोड़ दिया, माँ आएगी तो जरूर मुझे मारेगी, क्या करना है, उनके एक घर के अंदर में छिप गए।
जब घर के अंदर में छीन गए उनको तो पेट नहीं पूरा था, थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा था। उस घर जिस घर में वो छीन गए थे इस घर में देखे वो सिक्का के ऊपर तो बहुत मक्खन है, तुम चलो यहाँ ही खाए। तो हाथ नहीं पा रहा था, उधर एक उदू खोल था। उदू खोल क्या है जानते हो? डमरू जैसा है, एक साइड सलीब रहता है और एक साइड में होल रहता है जिससे उस फूटते हैं, ऐसा उदू खोल। वो उदू खोल को उल्टा करके रख दिए और उदू खोल पे चढ़ के और माखन निकाल करके खा रहे। जब माखन निकाल करके वो खा रहे थे झरका की बाहर से देखे कि कोई बांदरों ने इधर बैठे बांदरों ने। भगवान श्री कृष्ण ने याद आ गया, अरे पहला अवतार में मैं मन में आस कर रहा था, बंदरों ने मुझे बहुत साहस किए थे, उस समय कुछ नहीं था देने के लिए, अब तो माखन बहुत दे, चलो खिलाओ उनको। और जितना माखन था निकाल निकाल करके खिड़की के बाहर बंदरों को खिला रहे। भूल गए कि माँ उनको मारेंगे, ये सब भूल गए। तो ये जोगमाया का इच्छा है, यशोदा मैया दूध को रखा करके जब आकर देखे कि मटकी को कन्हैया ने फोड़ दिया है, वो बहुत गुस्सा हो गए, बोले अरे ये मेरा घर ऐसा कर रहा है तो उस गोपियों ने जो बोल रहे थे उनका घर में वो ऐसा ही करता होगा, आज उसको तो मुझे दंड देना ही पड़ेगा, उसको शिक्षा नहीं देने से और दुष्ट बन जाएगा, इसलिए उसको आज मारना ही पड़ेगा। ये सोच करके हाथ में डंडा लिए, डंडा लेकर के ढूंढे कहाँ है कन्हैया। जब कन्हैया ने देख लिया कि मैया का गुस्सा का मुख और हाथ में छाप है मारने के लिए, देखते ही वो भयभीत हो गए और दौड़ने लगे, बोले घर में रहूंगा तो माँ जरूर पकड़ेगा, पकड़ेगी और मारेगी मुझे, घर से निकल जाऊंगा तो मैया घर से बाहर नहीं जाएगी। ये सोच करके घर से निकल करके दौड़ने लगे, लेकिन यशोदा मैया ने बोले मेरे लाज शरम को आज कोई खतरी नहीं है, उसको तो दंड ही देना आया आज, तो उसके पीछे भागे, दौड़ाए उसको पकड़ने के लिए, दौड़े उनको पकड़ने के लिए। आज भगवान दौड़ रहे हैं और उनके पीछे भक्त दौड़ रहे हैं। भगवान तो महान है, उनको कोई पकड़ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी भक्त के पास शक्ति रहता है जो पकड़ लेती है, पकड़ लेता है। यशोदा मैया ने दौड़ते दौड़ते कन्हैया को पकड़ लिए, पकड़ करके ये छाप उठाए, अरे कन्हैया तू इतना दुष्ट है, तू इतना तंग कर रहा है, आज मेरा बहुत पुराना मटकी को तोड़ दिया तू, तू ऐसे क्या क्या नहीं करता होगा गोपियों के घर में, देखो तुझे मैं मारता हूँ। इतना बोलते ही कन्हैया ने डर के मारे ऐसे हाथ करके रो रहे थे, आंखों में जो मैया ने काला लगाए थे वो सब कपड़ों में आ गया था, और रोते रोते बोले मैया मैया मुझे मत मारो, मैया मुझे मत मारो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैया ने बोले अरे तू रोते रोते मुझे डराता है, तू रोने से मैं तुझे नहीं मारती हूँ, इसलिए तू रो रो कर मुझे डराती है, डराता है, आज कितना भी तू रो जरूर मैं तुझको मारूंगी मारूंगी। लेकिन यशोदा मैया के मन में भय आ गया, शायद वो मूर्छित हो जाएगा अगर मैं मारूं, और ये हाथ में मेरा ये छाप को देख करके शायद वो बहुत डर गया होगा, ये सोच करके वो उसको फेंक दी। यशोदा मैया ने बोले अब तुझे मैं नहीं मारूंगी, घर में चल तेरे पिता आएंगे, तेरे पिता के सामने तुझे आज मारूंगी, चलो पकड़ के लाए। बोले सुबह से इतना टाइम हो गया, घर का बहुत काम है, मैं काम नहीं किया, तेरे पीछे पड़ा हूं मैं तुझके बांध देती, मैं तुझे बांध देती हूँ, और उसके बाद में काम खत्म होने के बाद में तेरे पिता आने से तेरा काम मैं करूँ। ले गोपी एक रस्सी ला उसको बांधेंगे, रस्सी लाए उसको कृष्ण को बांधे तो दो अंगली कप होंगे। यशोदा मैया ने बोले अरे और कोई रस्सी है तो ले आओ उसको जोड़ेंगे और दो अंगली कम हो गए, और एक रस्सी लाए उसको जंट किए तो बांधे तो दो अंगली कम हुआ, और एक रस्सी लाए घर में जितना रस्सी था सब ला करके जंट किए
बात है दोनों उंगली कम हो जाते। एक गोपी ने बोली, अरे नंदरानी, अरे जसोदा मैया, जिसका कपाल में बंधने का लिखाई नहीं है तो कैसे राज है? जिसका कपाल में बंधन का जोग नहीं है तो कैसे राजेगी? तो जसोदा मैया ने बोली, इसका कपाल में बंधन का जोग नहीं होने पर भी आज इसका कपाल में लिख दू, मैं उसका सृष्टि कर लूंगी, उसका बंधन का जोग कैसे और नहीं बंधन का आएगा आप देखो। आज मेरा नाम जसोदा नहीं, अगर उसको नहीं बांधती बहुत कोशिश किए, लेकिन हम लोग होते तो सोचते कैसे टोकली करना है, लेकिन वो सोच नहीं रहे कि जो अगले कैसे कब रहा है, उसको तो बांधना ही पड़ेगा। दृष्टा परिश्रम कृष्ण आशित स्वभाव भरे, माँ का परिश्रम को देख करके भगवान श्री कृष्ण बंधन में विश्वस्त कवर स्वजह, जसोदा मैया का जो बेड़ी बांधे थे वो सब निकल गई थी, शरीर पसीना पसीना हो गई थी, लेकिन मन में तो एक ही चीज थी, मुझे तो आज करने को कामना ही। भगवान श्री कृष्ण भक्तों का परिश्रम, भक्तों का साधक को देख करके वशीभूत हो जाते हैं। भगवान को वशीभूत करना किसी का बस का बात नहीं है संसार में, लेकिन हम लोग का कोशिश छोड़ना नहीं चाहिए। सुबह उठ करके रात तक कोशिश करना है, मुझे भगवान को दर्शन करना है, मुझे भगवान को दर्शन करना है, बस एक ही मकसद। मनोर विंदा क्षति अजात पक्षा एवं मातर खगहा स्तन्यम यथावच्छा तरहा गुजारता प्रियम प्रियम शीतना मनोर विंदा क्षति देता। मन में एक ही मकसद है, जैसे एक बच्चा पक्षी जन्म लिया है, उसका पंख नहीं लगा है अभी, उसका मन जैसे उसके माँ पक्षी के पास रहता है कि मेरी माँ कब खाद्य लेकर के आएगी मैं खाऊंगा। एक गाय का बछड़ा घर में बंधा हुआ होता है और गाय कहीं चले जाता है घास खाने के लिए जंगल में, जब तक गाय नहीं आता है वो बछड़ा का मन गाय के पास रहता है, तब मेरी माँ गाय जंगल से आएगी, मैं स्तनपान करूंगी। एक सती स्त्री का स्वामी अगर विदेश चले जाता है, वो स्त्री सुबह से लेकर के रात तक तो उनका ही चिंता करता है, पति का ही चिंता करता है, और पति आने के बाद उनका सेवा भी करती है वो। जैसे एक सती स्त्री का मन पति के पास रहता है, जैसे बछड़ा का मन गाय के पास रहता है, जैसे पक्षी बच्चा पक्षी का मन माँ पक्षी के पास रहता है, हे भगवान हम तुमको तो यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा मन में भी एक ही कामना रहना चाहिए, एक ही आकांक्षा है। मैं घर का काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ, इसका उद्देश्य है कि हम कैसे भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करें। श्री कृष्ण मुझे कब दर्शन देंगे, इतना सहज नहीं है ये, इतना बस का बात नहीं है, लेकिन हमारा कोशिश अगर लगता रहेगा, जसोदा मैया का जैसे बस में भगवान आकर के बंधन में आ गए, हम अयोग्य होने पर भी, हमारा साधन परिपक्व नहीं होने पर भी भगवान कृपा करके हमको दर्शन। आज जब बंधन में आ गए, जसोदा मैया घर के काम करने के चले गए, यहाँ बलराम भाई ने दाऊ भैया ने आगे नहीं कहना, ये क्या हुआ है, तुझे किसने मारा है? बलराम कृष्ण को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कृष्ण को थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो बलराम को बहुत गुस्सा आता है, क्यों? श्री कृष्ण का जितना सेवा बलराम खुद कर रहे हैं। बलराम जो है अगले अवतार में लक्ष्मण होकर के जन्म लिए थे, जब पैर दबाने के लिए जा रहे थे भगवान राम
उसको बोलते कि नहीं नहीं मुझे थकावट नहीं है, बाद में करना। तो लक्ष्मण को बहुत कष्ट होता था, बड़े भाई का बात तो मानना है लेकिन बड़े भाई का बात मान करके मुझे सेवा से वंचित होना पड़ता है। इसलिए अगले अवतार में मैं उसके बड़े होकर के आऊंगा तो मैं जो उसको आदेश करूंगा वो ऐसे ही रहेगा। सो मैं तेरा पैर दबाना चाहता हूँ। तो बड़े भाई बोल रहे हैं तो कन्या सोएगा और बलराम पैर दबाता। तो सेवा करने के लिए बलराम बड़े भाई है। आज जब उनके बलराम के प्रभु बलराम के भगवान श्री कृष्ण को ऐसी बांधा बांधन अवस्था को देखे बलराम बहुत गुस्सा, किसने तुझे ऐसे किया? कन्हैया ने बोला दरभैया मुझे यशोदा मैया ने ऐसे ही बांध दिया। बलराम क्रोध से भैया के पास गए, भैया भैया हमारा कन्हैया को तो किसने क्यों बांधा? भैया ने बोली अरे क्या हो गया, मैं बांध ली कन्हैया को तो तेरा क्या बिगड़ा? क्या बोला तू भैया, मेरा क्या बिगड़ा, तू जानता है मैं कौन है? तू कौन है? मैं अनंत भगवान हूं। क्या हुआ? अरे तू अनंत भगवान है, तुझे और कोई स्थान नहीं था जन्म लेने के लिए, मेरा घर में तू जन्म लिया है। तू कहता है अनंत, वो कहता है मास, वो कहता है गणेश, तुम लोग को सब मेरे घर में जन्म होना था। आलू एक थप्पड़ तो अनंत चले बलराम का जो अश्वेश था शायद कोई कृष्ण का ये लीला हो, इसलिए मुझे यहाँ हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है। सखा लोगों ने आए, सखाओं ने बोले भैया आप तो बंधन में, हम तो रोज खेलते हैं, आज कैसे खेलेंगे? खेलेंगे चलो चलो तुम आगे ले चलो, हम चलते किस चलोगे? ये ऐसे झटका लगाया भगवान ने जो डमरू जैसा उदकल था वो उलट गया, मतलब ऐसे वर्टिकल में था वो पैरेलल हो गया और ऐसे गड़ने लगा। कृष्ण आगे आगे चले और उदकल गड़ने लगा और सखाओं ने आगे जा रहे, कन्हैया पीछे पीछे जा रहे हैं। सखाओं को कन्हैया बोले कि देखो भैया क्या कर रहा है, भैया कहाँ है, हम छिपते छिपते बाहर चले जाएंगे। तो सखा लोगों ने देख रहे हैं और कन्या को बोलते हैं हाँ इधर आओ, धीरे धीरे चलते हैं। चलते चलते श्री कृष्ण ने क्या किए, उनके घर के अंदर में पेड़ थे जिसका पेड़ का नाम है अर्जुन वृक्ष। क्या? अर्जुन वृक्ष। लेकिन वो जाला जामला था, जुड़वा था, इसलिए उसका नाम जामला था। तो उसी पेड़ के अंदर भगवान श्री कृष्ण में चले गए, जो उदुखल था वो लटक गया। सखाओं ने बोले कन्हैया तू ये क्या, तू पेड़ के अंदर में क्यों आया? अरे पीछे हट पीछे हट। भगवान श्री कृष्ण बोले अरे मेरा पीछे हटेगा जिंदगी में लिखा ही नहीं है, जहां चलता हूं आगे ही चलता हूं। तुम कैसे जाओगे? तुम लोग थोड़ा साइड हो जाओ, मैं क्या करता हूं देखो। जब झटका लगाए श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण स्वस्थ से ही वो पेड़ उखड़ गए। पेड़ उखड़ा ही नहीं, वो दोनों पेड़ से दोनों देवता निकले। देवता निकल करके श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किए और उनको स्तुति भी की। सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे थे परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज बोले कि बहुत आश्चर्य की बात है, वो लोग पेड़ के अंदर में देवता कैसे निकले और स्तुति किए, कौन थे वो? तो सुखदेव गोस्वामी बोले ये जो दोनों पेड़ है ये कुबेर के जो पुत्र थे, कुबेर तो धन धनवान है और धनवत्त से उनके पुत्रों ने दारू पीते थे। दारू पी करके एक दिन नदी में अप्सराओं के साथ उलग्न होकर के क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उस रास्ता होकर के नारद जी आ रहे थे। नारद जी को देख करके अप्सराओं में लज्जित हो गए, अपना अपना कपड़ा पहन लिए। लेकिन ये दोनों ने माणिक्यवर और नलकुबर ने ये दोनों कुबेर का पुत्र
ये दारू पी लिए थे, उनको नशा चढ़ गया था, उनका होश नहीं था और वो कपड़ा नहीं पहने नहीं। तो नारद को बहुत अपमान से लगा और बोले ये धन की मत से, धन की गर्व से गर्वित होकर के ये साधुओं को अपमान करते हैं, उनको दंड देना ही पड़ेगा। ये सोच करके नारद जी ने उनको अभिशाप दिया कि तुम पेड़ बन जाओ, जैसे उलटना भी हो ऐसा ही पेड़ उलटने रहता है, तुम पेड़ बन जाओ। उस समय जब अभिशाप हो गया उन लोगों को होश आ गया, नारद जी के चरण में गिर पड़े, अनजान में हम लोग का अपराध हो गया, हमारा उद्धार कैसे होगा। नारद जी बोले जो मुख से निकल गया, तुमको तो पेट बनना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे शरण में आ गए, मुझे क्षमा मांग रहे हो, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद भी देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण का अंग स्वस्थ हो जाएगा तुम्हारा शरीर में, तब तुम्हारा उद्धार। आज नारद जी के कथा को रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके शस्त्र, उनका कोई अभिषेक, उनका कोई तपस्या नहीं था, उनका कोई साधन नहीं था, नलकुंवर का मणिग्रीव का, केवल नारद जी का वो दर्शन किए थे, नारद जी का दर्शन के प्रभाव से, नारद जी का आशीर्वाद के प्रभाव से और अभिषेक के प्रभाव से आज भगवान श्री कृष्ण को स्पष्ट किया। जय श्री कृष्ण कन्हैया। उस समय नंद महाराज कहाँ कहीं थे, तुरंत आगे क्या हो गया, इतना आवाज हुआ घर में, देखे तो पेड़ गिरा। किसने पेड़ गिराया? बच्चाओं को पूछे थे, पूछे नंद महाराज ने। नंद महाराज को बच्चाओं ने बोले महाराज जी ये कन्हैया को उलट दिया पेड़ को। नंद महाराज बोले कहाँ के लड़का हो तुम, अरे मेरे कन्हैया का शक्ति कितना होगा, इतने बड़े बड़े पेड़ को उखड़ दिया वो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है किसने ये पेड़ को उखड़ा, कल से कोई असुर को भेजा था मेरे पुत्र के ऊपर ये पेड़ डाल करके मारने के लिए, लेकिन मेरे भगवान श्री नारायण ने मेरे बच्चा को बचा। इतना सोच करके, इतना बोल करके नंद महाराज कन्हैया के पास आए, जो बंधन था अतिक्रमण में उसको खोल दिया और बोले कन्हैया तुमको किसने बांधा? कन्हैया ने बोले मैया ने बांधा। इतना गुस्सा हो गया नंद महाराज को, यशोदा का थोड़ा सा बुद्धि भी नहीं है, कितना तपस्या करके ये 80 साल उम्र में हमको ऐसा नारायण भगवान ने ऐसा सुंदर पुत्र दिया है, उसको स्नेह नहीं करके उसको थोड़ा सा मट्टी फोड़ दिया बोल के उसको गांधी जी। चलो हम इससे सब बात नहीं करेंगे, स्त्री को क्या गाली देंगे, क्या मारेंगे, बातचीत ही नहीं करेंगे उससे, चलो माँ के साथ बातचीत नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे यमुना किनारे। नंद महाराज कन्हैया को लेकर के यमुना किनारे चले गए। यशोदा मैया ने खाना बना करके बैठी है, कब आएंगे जो नंद महाराज उनको खिलाएंगे, बच्चा को खिलाएंगे, लेकिन नंद महाराज नहीं आ रहे। यशोदा मैया ने खबर भेजे कि जल्दी आ जाओ, तब नंद महाराज के आने के लिए इच्छा नहीं था, फिर भी आए, लेकिन यशोदा के माँ के साथ बातचीत नहीं कर रहे। यशोदा मैया मुझे बोलते तो नंद महाराज कन्हैया भी इतना गुस्सा हो गया, माँ के साथ बातचीत नहीं करते। तब यशोदा मैया ने रोहिणी को बुला करके, बलराम की मैया रोहिणी को बुला करके भेजे कि जाओ मेरे से बात नहीं करे तो चलेगा, लेकिन खाना तो खिला दो, लो ये खाना लेकर उनको दे दो। लेकिन नंद महाराज ने ये यशोदा ने रसोई बनाई है, अब नहीं खाना। कन्हैया बोले ये मैया ने रसोई की है, अब नहीं खाना। तब रोहिणी को बुला करके यशोदा मैया ने बोली एक काम कर, तू कन्हैया को जाकर के बोलना अगर तू नहीं खाएगी, अगर तू नहीं खाएगा तेरी माँ मर जाएगी। इतना
तो रोहिणी भैया ने आकर के कन्हैया को बोल दिए कि देख तू नहीं खा रहा है, तेरे पिता नहीं खा रहे और तेरी माँ भी नहीं खा रही है अब तक। और वो बोलती है अगर कन्हैया नहीं खाएगा तो मर जाएगी। इतना सुनते ही कन्हैया तो तुरंत ही अरे लाला हम खा रहे। और आकर तो उनका जो गुस्सा था दूर हो गया और जसोदा भैया को ऐसे ही आलिंगन कर दिए, जसोदा माँ का सब दुख दूर हो गया। लेकिन नंद महाराज का गुस्सा नहीं गया। नंद महाराज आकर के बोले कि जसोदा को मेरी लाला क्या बिगाड़ना था, एक मरहबा ना राजा है कि एक मटकी फोड़ दी तो दूसरा मटकी ले आते, इतना कौन है ये सारा राज संपत्ति को भोगने के लिए एक ही तो पुत्र है, ऐसा क्यों किया। बोले मेरा भूल हो गई, आज से तुम्हारा बच्चा जो भी करे मुझे कुछ ठीक है। ऐसे सब लोग भोजन पानी किए। नंद महाराज ने उसी दिन ही एक सवाल बुलाए, बुला करके बोले हम लोग इस गांव में नहीं रहेंगे। ग्रामवासियों ने मेरे पास सुनो, हम लोग इस गांव में नहीं रहेंगे। बोले क्यों, यहाँ कंस के पास हम लोग रहते हैं, यहाँ उस पार में नदी का मथुरा है और इस पार में गोकुल है, बार बार कंस ने असुर भेजता है मेरे पुत्रों को मारने के लिए, आज असुर भेज करके पेड़ डाल करके मारने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान नारायण बचा लिए। हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां जाने से कंस या कंस की दूत कोई भी उधर नहीं पहुंच सके। आप लोग के अंदर में किसको पता है ऐसा कोई स्थान है जहां कंस और कंस की दूतों ने पहुंच नहीं पाएंगे। तो सांडिल्य मुनि में थे उधर, सांडिल्य मुनि बोले कि मैं जानता हूं एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है नंदीश्वर पर्वत, उधर कंस को अभिशाप है और कंस के दूतों को अभिशाप है, अगर वो लोग उधर आएंगे उनका मूर्धना फट जाएगा, वो लोग मर जाएंगे। तो बोले ठीक है चलो हम सब गांव छोड़ के चले जाएंगे। सब मकान छोड़ दिए, जितना उनका गाय का धन था और जितना दाल चावल इत्यादि था सकड़ में लगकर रख करके वो लोग उस गांव छोड़ करके नंदीश्वर पर्वत आ गए और नंदीश्वर पर्वत में घर बना करके उधर रहने लगे। उधर उस गांव का नाम पड़ गया नंद गांव। 2.5 साल तक श्री कृष्ण गोकुल में थे, 2.5 साल के बाद कहाँ आ गए नंद गांव। जय जय नंद भगवान, नंदीश्वर भगवान।